हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मेरे पास आईटेल का मोबाइल है, इसमें प्रॉब्लम है। चार्जिंग हो तो वो दिखा रहा है पर बैटरी इसमें जमा नहीं हो रहा। चार्जिंग हो तो वो दिखाएगा मोबाइल पर बैटरी जमा नहीं होएगा। मैं चेक करा देता हूँ। ये देखिए, हमारा मल्टीमीटर डिजिटल डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले पे चार्जिंग नहीं दिखा रहा, बाकी मोबाइल पे दिखा रहा है चार्जिंग होते टाइम। और यहाँ पे एमपीआर बताता है कि कितने एमपीआर से हो रहा, और बैटरी का सिंबल बन के आता कभी जाता वो भी नहीं दिखा रहा। तो समझ लेना कि मोबाइल में चार्जिंग पॉइंट जमा नहीं होगा इस कंडीशन में। तो मोबाइल को हम खोल लेते हैं, मैं सारा सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं मोबाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें इसका चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर लेना है। अगर आपका ये कंडीशन में मोबाइल हो, चार्जिंग दिखा रहा है पर जमा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर लेना है। चार्जिंग कनेक्टर से ना हो तो चार्जिंग कनेक्टर के आसपास आई पी डाल के सर्विसिंग करें। सर्विसिंग करने के बाद हल्की हल्की हिट दे। अगर उससे भी ना हुए आपका काम, तो यहाँ पे आर नाम का रजिस्टर है, या R20 रजिस्टर है मेरे मोबाइल में, तो R20 नाम से ये रजिस्टर है। हम इसको चेंज करेंगे। ये देखिए, ये रजिस्टर मैं पहले से ही निकाल के रखा हूँ दूसरे मोबाइल में से। आईटेल का दूसरा मोबाइल था, उसमें से मैं पहले ही निकाल के रखा हूँ। हम इसको चेंज करेंगे। मैं ये सिल्वर टेप लगा लेता इसके रजिस्टर के आसपास, ताकि जब हिट दूँ तो दूसरा कंपोनेंट आपस में टच ना होए। तो हमें इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के हिट देना है इसको। हम इसको ब्लोर से हिट करेंगे। हमें और ज़्यादा हिट भी नहीं करनी, ताकि कंपोनेंट उखड़ जाए, नॉर्मल रखनी है। हमारा रजिस्टर निकल गया है। अब जो मैंने दिखाया था आपको, मैं इसमें वो वाला रजिस्टर सेट कर दूंगा। ये देखिए, मैंने दूसरा कनेक्टर रजिस्टर लगा दिया है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अब हम इसको बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर चेक कराऊंगा मैं। बोर्ड भी हमारा ठंडा हो गया। अब मैं इसको चार्जिंग पे लगा के दिखाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में प्रेस बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। देखिए, चार्जिंग बताने लगा हमारा। अब हम डिजिटल डिस्प्ले पे भी, इस पर भी बताने लगा। ये देखिए, ये बैटरी बन के आ रहा है, ये ब्लर हो रहा आ रहा जा रहा, यानी कि हमारा चार्जिंग होने लगा। और हमारा ये
एमपीआर भी 0.6 से हो रहा, यानी कि अच्छा चार्जिंग हो रहा है 0.6 से। तो हमारा मोबाइल सक्सेस है। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।